2 of exercise 6.1 of the chapter squares and square roots. Squares and square roots chapter का exercise 1 है 6.1, उसका question number 1 हमने पिछले दिनों किया था. question number 2 देखिए. अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि the following numbers are obviously not perfect squares, give reason. ठीक है, अब आप इन numbers को ध्यान से देखें. 1057 और उनके यूनिट डिजिट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. 23,428, 2,22,222, 5,50, 2,22,829,722 एंड यू कैन सी हियर 3 जीरोस. यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस हैं. तो हमने कल भी हमने डिस्कस किया था कि द नंबर्स which end with 2, good morning beta, 2, 3, 7, 8 or odd number of zeros or odd number of zeros. ठीक है, अगर किन्हीं numbers के end में यानी कि उनका unit digit 2, 3, 7, 8 या odd number of zeros होता है, those numbers are Not perfect squares. ठीक हो गया, कल हमने देखा है ये. Yes, sir. कल हमने देखा था कि हमने जितने भी नंबर्स के स्क्वायर देखे, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर देखे, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से हमने लिखे थे. तो कहीं पर भी आप देखेंगे कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. स्क्वायर नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. तो कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर आप 1 से लेकर 10 तक भी देखें, नंबर्स के स्क्वायर को देखें, तो जितने भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं, आप पाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर में या तो इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे. परफेक्ट स्क्वायर में क्या होंगे, या तो इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक हो गया, या क्या होता है 0, 1, 4, 6, 5 और 9 और इवन जीरोस, इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए. तो ये सब क्या है, जो भी नंबर 0, 1, 4, 9, 1, 4, 5 या 9 से एंड हो रहे हैं और 6 भी है ना, इनसे एंड हो रहे हैं, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. और बाकी जो बचा हमारे पास 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. तो इन सारे नंबर्स में हम क्या देख रहे हैं, या तो कहीं पे 2 है या 3 है या 7 से एंड हो रहा है या 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड हो रहे हैं. तो ये सब इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, दे आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ओके, क्लियर है बेटा सभी को? आप सभी को क्लियर है ये बात? तो ये रीजन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हाँ ठीक है. हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3, यस सर, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर्स. तो अगर आप ध्यान दें, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर नंबर्स को ध्यान दें, तो जो भी आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर, देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा है सब जगह, देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है ना. तो इन नंबर्स में से, ठीक है, ये किसी नंबर्स इनके स्क्वायर करेंगे तो किन नंबर्स के स्क्वायर्स ऑड होंगे, जो ऑड नंबर्स होंगे. तो आप देख रहे हैं 431 ऑड नंबर है, इसी तरह से 7779 ऑड नंबर्स हैं. विल हैव ऑड स्क्वायर्स, ठीक हो गया. इन नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा. क्लियर है बेटा, है ना. 1 से 10 का स्क्वायर चेक करके देखें आप, तो आप पाएंगे जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब ऑड नंबर्स हैं. ऑड नंबर्स का स्क्वायर भी ऑड ही आ रहा है. तो इन चारों नंबर्स में जो दिए हैं क्वेश्चन में, 431 और 7779, ये दोनों नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, ऑड होंगे. ठीक हो गया, क्लियर है? यस सर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा उठा लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जर्व द पैटर्न
एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, जैसे इसका 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या आया 121, 11 का स्क्वायर क्या आया 12, फिर वहां से अपोजिट काउंटिंग शुरू कर दी, है ना। जैसे 101 का स्क्वायर है तो वो क्या आया 10201, ठीक हो गया। तो 1001 का स्क्वायर आया, 1001 का स्क्वायर आया, तो ये पैटर्न क्या बन रहा है 1002 फिर 001, यानी कि ये दोनों तरफ देखिए बीच में जो 2 आ रहा है इसके दोनों तरफ चला जा रहा है ना, ठीक है ना। तो इसी तरह से 1 10 100 1000 10 lakh 10 lakh 1 10 100 1000 lakh, तो 1 lakh 1000 1 lakh 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो कितने जीरोज है यहाँ बीच में, आप देखिए पैटर्न देखिए, जब यहाँ एक जीरो था तो एक जीरो 1 और 2 के बीच में आया, दूसरा जीरो 2 और 1 के बीच में आया, जब यहाँ 2 जीरोज थे तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 2 जीरो आए और 2 और 1 के बीच में 2 जीरो आए। तो इसी तरह से इस पैटर्न को करें, 1 lakh 1 का स्क्वायर, तो इसमें कितने जीरो हैं 2 1s के बीच में, 4 जीरो, तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे 1 और 2 के बीच में 4 जीरो रखिए और 2 और 1 के बीच में 4 जीरो रखिए, ठीक हो गया। तो पैटर्न समझ में आ रहा है बेटा, तो पैटर्न को ही फॉलो करके इनके स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 10 100 1000 10 lakh 10 lakh crore, 1 crore 1 का स्क्वायर, 1 crore 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के बाद कितनी जीरोज है 1 और कितनी जीरोज है यहाँ पर, टोटल 6 जीरो, से तो आप 1 2 3 4 5 6, फिर इसका 2 रखिए, फिर 6 जीरोज रखिए, 1 2 3 4 5 6 and 1, क्लियर है बेटा, है ना। ये पैटर्न देखिए हम स्क्वायर को निकाल लेना, हमने क्या है 1 crore 1 के स्क्वायर को पैटर्न देख के हमने सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने आंसर बता दिया। अब हम ये नहीं करते बैठेंगे, कि हम 1 lakh 1 के स्क्वायर को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते बैठे, इतना नहीं, आप केवल इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चलिए। तो पैटर्न में ये हो रहा है, जितने जीरोज हैं 1 और 1 के बीच में, 101 का स्क्वायर है जैसे, तो 10201, तो एक एक जीरो रख दिया 1 और 2 के बीच में और 2 और 1 के बीच में, क्लियर है बेटा। इसी तरह से अगला पैटर्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पैटर्न 1 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो उस 2 को उन दोनों 1 के बीच में रख दिया 1 2 1, है ना, ठीक है। इसी तरह से 101 का स्क्वायर है तो 10201, ठीक है, 10101 का स्क्वायर तो 10203021, तो कितने 1s हैं इसमें, 3 1s हैं, 1 2 3, 3 1s हैं, तो 1020 फिर 3 तक गए, फिर वहां से रिवर्स ऑर्डर में इन्हीं को लिख दिया 0201। इसी तरह से 10101 का स्क्वायर तो कितने 1s हैं इसमें, 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10203 0, फिर आपने लिखा 4, फिर रिवर्स में चले गए 03 0201, ठीक है। इस पैटर्न को देखा हमने, क्लियर है, फिर आप देखिए यहां पर आया है 10203045, 5 के बाद फिर ये रिवर्स ऑर्डर में चल गया 04 03 02 01, तो ये किसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 10101 01, टोटल 5 1s आने चाहिए इसमें, ठीक हो गया। तो 10101 01, तो टोटल 5 1s आने चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक हो गया, क्लियर है बेटा। इस पैटर्न को देख के क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये, ठीक है। पैटर्न को देखने का तरीका ये है कि कितने नंबर ऑफ 1s हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है, सेकंड लाइन से 2 1s हैं तो 102 आया, 3 1s हैं तो 10203 आया, फिर उसके बाद उल्टा चला दिया 0201 ऐसे, ठीक है। तो ये पैटर्न्स हैं आपके। अच्छा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में मिसिंग नंबर्स लिखने हैं पैटर्न में,
अब आप देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ये थर्ड नंबर है, केवल इसको देखिए, बेस को देखिए, थर्ड नंबर कैसे रिलेटेड है। अब आप देखें 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का जो बेस है, थर्ड नंबर का बेस कैसे प्राप्त हो रहा है, जब आप फर्स्ट स्क्वायर नंबर का बेस और सेकंड स्क्वायर नंबर का बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1 इंटू 2 क्या आया, 1 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर। तो फोर्थ नंबर कैसे रिलेटेड है, ये जो इक्वल टू 3 स्क्वायर है ये कैसे रिलेटेड है। अब आप देखिए 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, है ना, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर बन गया है। एक मिनट, कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा है। ठीक है, तो 3, ये जो फोर्थ नंबर है, हाउ इज फोर्थ नंबर रिलेटेड टू द थर्ड नंबर, 2 प्लस 1 उसका स्क्वायर कर दिया, ये जो 3 आया ये क्या आया, 2 प्लस 1 थर्ड नंबर से रिलेटेड है। तो इसी तरह से इस पैटर्न को देखिए एक बार फिर से, 2 का स्क्वायर प्लस, मैं यहां लिख देता हूं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर कैसे है। अब आप देखिए दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये 6 यहां पर आया। ठीक है, फिर 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 हो गया, तो ये इसका बेस बन गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से यहां पर देखिए फोर्थ वाले में 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस क्या आना चाहिए यहां पर बताइए। है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहां पर 20 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, यहां पर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, 20 प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगला पैटर्न है, जैसे 5 स्क्वायर प्लस समथिंग आई हैव टू राइट इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। तो आप देखिए 30 जो बेस है, 30 कैसे आया, 5 6 जा 30, तो यहां पर 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को बच्चे, है ना। इसी तरह से इसमें देखिए किस नंबर का स्क्वायर, यहां देखिए 6 7 जा 42, तो 42 का स्क्वायर। फिर इस पैटर्न को फॉलो करिए, तीसरे नंबर का जो बेस है, तीसरे स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर है 42 स्क्वायर, इस स्क्वायर नंबर का जो बेस है 42, उसमें 1 जोड़िए, 43 हो गया, तो ये 43 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। तो पैटर्न के लिए हिंट, आपको पैटर्न कैसे रीड करना है उसका हिंट आपको बॉक्स में दिया हुआ है। थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड, हाउ, तो द बेस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द बेस ऑफ सेकंड नंबर, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करके आपको थर्ड नंबर का बेस मिला, है ना। जैसे 3 इंटू 4 12, अच्छा फिर 12 स्क्वायर, जो थर्ड नंबर, थर्ड स्क्वायर नंबर का जो बेस है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो ये 13 का स्क्वायर बन जा रहा है। तो इस तरह से हमने ये पैटर्न फॉलो किया। ओके, ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा अपनी नोटबुक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। क्या कहने का मतलब है कि पहले ऑड नंबर्स, पहले 5 ऑड नंबर्स बताइए आप मुझे, पहले 5 ऑड नंबर्स बताइए। 1 3 5 7 9 इनको आप ऐड करिए, टोटल कितने नंबर्स हैं, एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 5 है, कितने नंबर्स हैं टोटल, 5 नंबर्स हैं। तो क्या इनका सम 5 स्क्वायर आ रहा है, देखिए जरा चेक करके देखिए, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16 प्लस 9, यस सर। तो द सम ऑफ फर्स्ट एन, स्टार्टिंग से मतलब 1 से स्टार्ट करते हुए, पहले अगर मैं कहूं सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 11 13 15 17 एंड 19, ये आपके फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। तो इसीलिए ये रूल है एक, इसको आप लिख लीजिएगा,
सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर, जितने नंबर ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से लेने हैं आपने, ठीक हो गया। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। कितने नंबर n इज इक्वल टू क्या है यहां पर, 5 है। तो इस प्रॉपर्टी से हमने किया इसको, क्लियर है? Yes, sir. अब आप दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला भी मैंने सॉल्व कर ही दिया है, दूसरा वाला भी ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है। पहले कितने ऑड नंबर्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर। तो ये इन सब का सम 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर मींस 10 × 10 है ना, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब आप तीसरा वाला मुझे आप खुद बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए इसका आंसर। कितने ऑड नेचुरल नंबर्स हैं ये देखिए, 12 फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स का सम, फर्स्ट 12 तो n इज इक्वल टू हमारे पास 12 है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 odd numbers will be 12 square. 12 square means 12 into 12. 144. Very good. ठीक है बेटा, सही बताया आपने, है ना? तो ये एक रूल है ये, तो बिना इनको ऐड किए भी आप बता सकते हैं। तो बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, वन से लेके स्टार्ट होना चाहिए, ठीक हो गया, क्लियर है? Yes, sir. इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर होता है बताइए, 49 किसका स्क्वायर है, सेवन का स्क्वायर है। तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को ऐड करिए, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को ऐड करिए, 1 2 3 4 5 6 and 7, हो गया एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह से 121 किसका स्क्वायर होता है बताइए, सही है 11 का स्क्वायर होता है, वेरी गुड। तो 121 को हम फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स के ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के तौर पर दिखा सकते हैं, प्लस 21 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 से लेके 21 तक के नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 11 ऑड नंबर्स, ठीक हो गया। तो ये कहां से आया, ये यही आया कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, उसी से आया हमारा, ठीक हो गया, क्लियर है? अब इसी से जुड़ी हुई एक बात और समझ लेते हैं, स्क्वायर रूट समझ लेते हैं। अभी स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, सपोज मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 121, स्क्वायर रूट ऑफ 121 ऐसे लिखते हैं, देखिए स्क्वायर रूट का साइन होता है स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ की जगह 11, तो ये है आपका स्क्वायर रूट का साइन, स्क्वायर रूट ऑफ 127, स्क्वायर रूट ऑफ की जगह ये सिंबल बनता है। तो वो नंबर जिसका स्क्वायर 121 हो, द नंबर हूज स्क्वायर इज 121 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121 दैट इज 11, ठीक है। 121 के फैक्टर करें आपने स्क्वायर रूट साइन के अंदर, 121 के फैक्टर आ गए 11 × 11, तो हर पेयर में से लाइक फैक्टर्स के पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है, ठीक हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर का अपोजिट सिंबल है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके ऊपर देखिए एक लाइन मैंने लिखी हुई है, देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर एन 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 प्लस वन। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपको नंबर्स लाइंग बिटवीन मतलब आपको 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें, n इज इक्वल टू अगर 12 है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, होगा है ना। n इज इक्वल टू अगर 12 है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 12 है बेटा तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 13। तो अब आपको 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर से ये बताना है। तो एक तरीका तो ये है भाई, आपने लिख लिया 12 का स्क्वायर 144 आया और आपने कहा 13 का स्क्वायर 169 आया, आप इनको घटाते हैं, 169 माइनस 144 25, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 24 नंबर्स इनके बीच में होंगे। ठीक हो गया, तो इसकी जगह हम क्या करें, केवल इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लें कि अगर कोई दो नंबर्स हैं एन और एन प्लस वन, एन और एन प्लस वन अगर कोई दो नंबर है तो एन और एन का स्क्वायर और एन प्लस वन का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, 2n नंबर्स लाई करेंगे। ठीक हो गया, जहां n की वैल्यू कहां से पता लग गई, अब जैसे 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर है तो आप लिखेंगे नंबर्स लाइंग बिटवीन 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इनटू 12, दैट इज 24 नंबर्स लाई करेंगे। ठीक हो गया, एक बार फिर से देखिए, नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, अब आप खुद देखिए, n इज इक्वल टू 25 इस केस में और n प्लस 1 इज इक्वल टू 26 इस केस में। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, यस सर। तो 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 2n, यानी कि 2 इंटू 25, तो टोटल 50 नंबर होंगे 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखिए 25 का स्क्वायर हो गया 625, 26 का स्क्वायर हो गया, आप इसे क्यों बता सकता है 26 का स्क्वायर, कोई बता सकता है बेटा, 676 होता है बेटा। तो आप देखेंगे 625 और 676 के बीच में एग्जैक्ट 50 नंबर लाई करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये ट्रिक है बेटा, ये एक तरह से क्या कहें आप, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिए, अगर दो नंबर्स हों n और n प्लस 1 के रूप में लिखा जाए तो उनके बीच में, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, 2n नंबर्स लाई करेंगे। इसी तरह से देखिए 99 नंबर्स लाइंग बिटवीन 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर और 99 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, आप खुद बताइए मुझे, बताएं बच्चे, अगर 99 को मैंने n कहा तो 100 को मैं क्या कहूंगा, n प्लस 1 कहूंगा, तो इसमें कितने नंबर्स हैं इनके बीच में आप बताएं, 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 2n, यानी कि 2 इंटू 99। ठीक है, तो 198 नंबर्स लाई करेंगे 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, 99 स्क्वायर की वैल्यू होती है 9801 और 100 स्क्वायर की वैल्यू होती है 10,000, तो इनके बीच में 198 नंबर्स लाई कर रहे हैं, तो ये वेरीफाई भी हो गया। ठीक हो गया, ओके, अगर आपको ये बात याद नहीं भी रही, ये वाली
कि देर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एन 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 प्लस वन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या करेंगे आप कि जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 55 स्क्वायर और 56 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे? बताओ बेटा। सर 110। 110 बिल्कुल सही है ना, समझ में आ गया आप लोगों के। तो अगर आप ये भूल जाएं, अगर ये प्रॉपर्टी आप भूल जाएं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनके नंबर्स के स्क्वायर निकाल दीजिए, ओके, फिर सबट्रैक्ट कर दीजिए 30251111, फिर जो आया उसमें से एक और सबट्रैक्ट कर, उसमें से माइनस वन और कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 110। ठीक हो गया बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपको देखो स्क्वायर फाइंड आउट करने का एक तरीका दिखाता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने 42 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैंने एक स्क्वायर बनाया बच्चों, और उसके अंदर चार स्क्वायर बना दीजिए, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 2, फिर आप डायगोनल्स को मिला दीजिए, फिर आप डायगोनल्स को मिला दीजिए। अब आप देखिए इस रो में 4 है, इस कॉलम में 4 है, 4 जा कितना हो गया 16, तो आप ऐसे 16 ऐसे लिख देंगे। फिर आप देखिए इस कॉलम में आया 2, इस रो में आया 4, तो 4 × 2 = 8, तो आप लिखेंगे इसको 08। फिर आप देखिए 2 इस रो में आया 2, कॉलम में आया 4, तो 2 × 4 = 8 = 08, फिर 2 × 2 = 4 = 04 ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करिए, जो डायगोनल वाले टर्म्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, 4 8 + 0 + 8 हो गया कितना 16 है ना, और फिर ये जो 1 है इस 1 को आप कैरी ले जाएंगे इस तरफ, 6 + 1 = 7 और 1, तो 1764, 42 का स्क्वायर है 1764। ठीक हो गया, इस तरह से मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको फाइंड आउट करिए इसी तरीके से डायगोनल मेथड से, फाइंड 85 स्क्वायर एंड 96 स्क्वायर, इसी तरीके से करें आप। ठीक है, अगर कोई दो डिजिट सम जो है, अगर दो डिजिट आया तो ये कैरी चला जाता है अगले डायगोनल के सम के बीच में। ठीक हो गया, ओके, इसलिए यहाँ 7 आया, तो 1764 यहां से चलेंगे इस ऑर्डर में ऐसे, तो 1764। तो स्क्वायर को फाइंड करने का एक तरीका ये भी है, हालांकि लेंथी तरीका है लेकिन इंटरेस्टिंग तरीका है। वैसे तो आप 42 × 42 करके ऐसे भी कर ही सकते हैं ना, ऐसे भी तो कर ही सकते हैं है ना। तो ये डायगोनल मेथड इसको हम कहते हैं, डायगोनल मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर। तो ट्राई करिएगा आप, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, बाकी का हम कल देखें फिर बेटा।